आज हम लोग बात करते हैं रसायन विज्ञान से संबंधित यानी केमिस्ट्री में कुछ इम्पॉर्टेंट मैटर्स के बारे में बात करेंगे जिनका एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कभी कंपटीशन एग्जाम वगैरह में। तो इसके लिए हम बात करते हैं कुछ प्रमुख धातुएं तथा उनके उपयोग यानी कि सम इम्पॉर्टेंट मेटल्स एंड देयर यूजेस। ठीक है, जिसमें से पहला जो मेटल हम बात कर रहे हैं सोडियम। तो मेटल क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि अगर कोई भी एटम है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है या इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्वालिटी रखता है उसको बोलते हैं मेटल। और वो इसलिए करता है क्योंकि उसके बाहरी क्लास में कितने होते हैं, बाहरी क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन रखने होते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करना होता है। तो अगर 8 से कम है तो वो क्या करेगा, या तो लेगा या देगा। अगर क्या होता है 4 से कम इलेक्ट्रॉन है किसी भी हम लोग मेटल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन करते हैं, उसके बाहरी क्लास में आउटर मोस्ट सेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करता है, इजीली लूज कर देता है। और अगर 4 से अधिक है तो वो लूज नहीं करता बल्कि गेन करता है। तो जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन यानी जो देता है उसे मेटल कहते हैं, और जो लेता है उसे नॉन मेटल यानी अधातु कहते हैं। तो हम लोग बात करते हैं ऐसे सोडियम मेटल के बारे में जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक, जो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्वालिटी रखता है। इसको गलित सोडियम का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में शीतलकों के रूप में किया जाता है। अब यानी जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है तो न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। कौन सा, मेल्टिंग सोडियम यानी कि गलित सोडियम। तो जो गलित सोडियम होता है, मेल्टिंग सोडियम होता है, इसका उपयोग हम लोग नाभिकीय रिएक्टर में कूलेंट के फॉर्म में करते हैं यानी शीतलक के रूप में। ठीक है, और भारी जल का उपयोग भी शीतलक के रूप में किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में, D2O। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है सोडियम वाष्प का प्रयोग सोडियम लैंपों में भी किया जाता है। तो यानी कि जो सोडियम स्टीम है और जो सोडियम लैंप होता है उसमें हम लोग सोडियम स्टीम का उपयोग करते हैं। तो कल के आपसे पूछा जाए सोडियम लैंप में कौन से मेटल का स्टीम उपयोग करते हैं, तो सोडियम की स्टीम यानी सोडियम की भाप। सोडियम क्लोराइड यानी कि जब सोडियम और क्लोराइड का रिएक्शन होता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है जिसका फॉर्मूला NaCl है। क्या है, NaCl। तो आपको पता है इसका प्रयोग खाने के नमक के रूप में किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, खाने के नमक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और जगह भोजन में अगर क्या हो जाता है, भोजन में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, अगर नमक की मात्रा आपके भोजन में ज़्यादा होती है तो इससे उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, इसको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है पर्सन को, और भी हाई ब्लड प्रेशर की यानी उच्च रक्तचाप की। तो आपने ये देखा कि हम लोगों ने बात किया सोडियम मेटल के बारे में। दूसरा यूज हम लोग पढ़ने जाएंगे पोटेशियम के बारे में। किसके बारे में, पोटेशियम, जिसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 19 होती है। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट को 16 अथवा बारूद कहते हैं। तो यानी कि जो एक्सप्लोजन है यानी कि बारूद है उसको पोटेशियम नाइट्रेट यानी पोटेशियम जब नाइट्रेट NO3 ग्रुप से जब रिएक्शन करता है तो KNO3 बनाता है पोटेशियम नाइट्रेट, और इसको बोलते हैं को 16 अथवा बारूद यानी एक्सप्लोजन कहते हैं। और इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस बनाने में किया जाता है विस्फोटक पदार्थ। भोजन या शरीर में उपस्थित K+ आयन, अब K+ क्यों है, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उस पर K+ का चार्ज आएगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2+ का चार्ज। अब चूंकि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या आएगा, पहली क्लास में 2 आएगा, 8 8, तो 2 8 10 8 18, बाहरी क्लास में 1 है। जैसा कि हमने बताया अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो लूज करेगा क्योंकि उसे पता है 7 इलेक्ट्रॉन अगर लेने जाएगा कहीं से तो मिलेगा नहीं, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना होता है, बाहरी क्लास में 1 है तो वो क्या करेगा, 1 रिलीज कर देगा, लूज कर देगा, तो इसलिए उस पे चार्ज कितना आता है, 1+ का आ जाता है यानी K+। और ये जो K+ होता है वह हृदय की गति को नियंत्रित करता है, यानी कि हमारे जो भोजन शरीर में उपस्थित यानी भोजन में जो हमारा पोटेशियम आयन होता है पॉजिटिव आयन, वो हमारे जो हृदय की गति होती है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो अगर पेपर में एक नंबर का क्वेश्चन आता है हृदय की गति में कौन सा मेटल काम आता है तो K+ पोटेशियम आयन। ठीक, उसके बाद बात करें पोटेशियम के विभिन्न यौगिक यानी डिफरेंट कंपाउंड ऑफ पोटेशियम जो फर्टिलाइजर का काम करते हैं यानी उर्वरक का काम करते हैं यानी खाद का, जैसे पोटेशियम क्लोराइड KCl, जैसे पोटेशियम सल्फेट K2SO4,
पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, तो ये सब फर्टिलाइजर का भी काम करते हैं, यानी कि खाद का भी काम करते हैं, यानी उर्वरक का। नेक्स्ट तीसरा जो हम लोग बात करने जा रहे हैं धातु है, वो कैल्शियम है। कैल्शियम की अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर 20 होता है। अब ये 20 है तो कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो आपको पता कैल्शियम 2 8 8, यानी कि 2 8 8, यानी कितना हो गया 18, और 2 आखिरी क्लास में होगा, यानी आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 से कम होता है तो वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कैल्शियम पे प्लस का 2 का चार्ज आ जाएगा। तो यानी कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम तथा फास्फोरस, अगर हमारी बॉडी में बात करें, कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो हड्डी और दांत के प्रमुख क्या हैं, संगठक हैं, यानी अवयव हैं, एलिमेंट हैं। तो हमारे अगर हड्डियों में यानी अस्थि में अगर दो चीज़ का पूछें कौन कौन चीज़ें से मिलकर बना है, तो कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला CaCO3 का उपयोग दंत मंजन के पेस्ट तथा पाउडर बनाने में किया जाता है। तो कल के क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाता है एक नंबर का कि दंत मंजन का पाउडर या पेस्ट, देखा होगा डाबर लाल दंत मंजन, कोलगेट का व्हाइट वाला, पाउडर फॉर्म में भी आता है, पेस्ट के फॉर्म में भी आता है, तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है, तो CaCO3 का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है POP। POP आपने देखा होगा, POP माने प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर घर में देखते हैं ना, POP करा लीजिए बोलते हैं, तो इससे दीवार वगैरह स्मूथ हो जाती है वॉल। तो POP जो होता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ठीक, इसका जो रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम होता है, वो हेमी हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट। तो कैसे फार्मूला इसका बात करें तो CaSO4.12H2O, कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4.12H2O। तो आपको पता है अगर कल को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2CaSO4.H2O भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये जल से क्रिया करने के बाद क्या हो जाता है, पूरा ठोस हो जाता है, यानी सॉलिड हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी का जो हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं, यानी उसमें प्लास्टर चढ़ा देते हैं, तो वो प्लास्टर चढ़ाते हैं वो POP की वजह से। और वो जब वाटर के संपर्क में आता है, कॉन्टैक्ट में, तो बहुत ही सॉलिड हो जाता है, यानी हार्ड हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग की अगर बात करें तो आपको जैसा कि पता है हड्डियों के टूटने पर प्लास्टर चढ़ाते हैं, मूर्ति बनाने में करा जाता है, और खिलौने का निर्माण करने में किया जाता है, तो यानी कि चिकित्सा डिपार्टमेंट में भी करते हैं, ठीक है। और उसके बाद मूर्तियों को बनाने में किया जाता है, और खिलौने वगैरह टॉयज वगैरह बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, तांबा यानी कि कॉपर की बात करते हैं। तो आपको सबको पता है कि कॉपर जो है विद्युत का अच्छा चालक है, यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा होगा घरों में जब भी कोई बोलता है कि भाई कॉपर वायर लगाइए, ठीक है, तो कॉपर वायर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और विद्युत उपकरणों में तांबों का उपयोग किया जाता है, जैसा कि आपको पता है। दूसरा पॉइंट आता है, आपने देखा होगा तांबे के बर्तन भी बहुत ज़्यादा प्रचलित होते हैं हमारे, तो UP वगैरह में आपको पता ही होगा कि यह धार्मिक देवताओं की नगरी है, तो यहाँ पे हर घर में तांबे का लोटा आपको मिल जाएगा। तो तांबे के बर्तन बनते हैं, सिक्के भी बनते थे, और तांबा मिश्र धातु का भी काम करता है। मिश्र धातु यानी कि आपको पता होगा मिक्सर, ठीक है, तो अगर वो मिक्सर है मतलब कि उसमें कई चीज़ें मिला के, जैसे सोना है, गोल्ड बहुत मुलायम होता है, तो उसमें क्या मिला देते हैं, तांबा मिला देते हैं, ताकि थोड़ा सा क्या हो जाए, उस टिकाऊ हो जाए, मजबूती इसमें आ जाए। तो आपको पता है ये मिश्र धातु आदि का निर्माण करने में कॉपर या तांबा द्वारा किया जाता है। तो कॉपर इंग्लिश में बोल दिया, तांबा हिंदी में बोलते हैं, तो जब कभी भी मिश्र धातु बनाते हैं तो उसमें कॉपर मिलाया जाता है, ठीक है। तो जैसे आपने जस्ता वगैरह देखा होगा, पीतल होगा, तो कॉपर प्लस जिंक मिलकर क्या बन गया, जस्ता यानी पीतल। उसके बाद पॉइंट आता है कॉपर सल्फेट तथा क्यूपरस क्लोराइड ऑक्साइड। तो कॉपर सल्फेट CuSO4 और क्यूपरस ऑक्साइड का उपयोग कीटनाशक तथा पीड़ानाशक बनाने में होता है। यानी कि जो कीटनाशक दवाइयां हैं या पीड़ानाशक दवाइयां हैं, पीड़ानाशक मतलब पेन किलर वगैरह या कीड़े मारने की दवा वगैरह, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट और क्यूपरस ऑक्साइड Cu2O, ठीक है, क्यूपरस ऑक्साइड और कॉपर सल्फेट इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। कीटनाशक तथा पीड़ानाशक दवाई बनाने में कॉपर सल्फेट और क्यूपरस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट एड मेटल की तरफ चलते हैं, तो मैग्नीशियम है, जिसका एटॉमिक नंबर 12 है। 12 का मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने जाते हैं, तो 2 8 2, पहली क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी क्लास में 8, आखिरी यानी बाहरी क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन,
सबको पता है अगर चार्ज से कम होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर चार्ज क्या आ जाएगा एम जी पे प्लस टू का, तो वो उन्हीं से रिएक्शन करेगा जो इसके दो इलेक्ट्रॉन लेने की क्या रखता हो, टेंडेंसी रखता हो, कैपेसिटी हो जिसकी। तो मैग्नीशियम की बात करें तो पौधों में क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, तो पौधों के क्लोरोफिल में अगर पूछा जाए कौन सा मेटल पाया जाता है तो उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम एल्बा जिसका फार्मूला होता है एम जी ओ एच का होल ट्वाइस डॉट एम जी सी ओ थ्री थ्री एच टू ओ, एम जी ओ एच का होल ट्वाइस डॉट एम जी सी ओ थ्री थ्री एच टू ओ, तो मैग्नीशियम एल्बा का ये फार्मूला होता है। और ये क्या है, एंटासिड है, एंटासिड का मतलब होता है एसिड है, और एंटा लग गया इसका मतलब कि एसिड को क्या करता है, खत्म करता है, तो पेट की अम्लता और गैस को दूर करने वाला ये यौगिक है। तो कहने का मतलब हो गया मैग्नीशियम एल्बा क्या है, मैग्नीशियम एल्बा एक एंटा एसिड है जो अगर हमारे पेट में गैस वगैरह एसिड वगैरह बन जाता है तो उसको रिमूव करने में जो दवाई वगैरह यूज होगी उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है अगर बात किया जाए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो इजीली अवेलेबल है कि पेट में अगर गैस वगैरह बन जाता है तो उसको लेते हैं, तो आपको पता है उसमें इनो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि आपको पता है इजीली अभी सभी शॉप वगैरह भी अवेलेबल हो जाता है। तो कल के पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि मैग्नीशियम एल्बा बाजार में किस नाम से मिलता है, तो मैग्नीशियम एल्बा बाजार में मार्केट में इनो के नाम से मिलता है, किसके नाम से मिलता है, इनो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेटल की तरफ चलते हैं जिसका नाम जिंक है। जिंक की बात करें जेडन, तो जिंक ऑक्साइड यानी जेडन ओ, जेडन प्लस टू चार्ज होता है, जैसा कि आपको पता चल गया होगा अगर जेडन प्लस टू है इसका मतलब ये मेटल है, और ये इसके बाहरी क्लास में आउटर मोस्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन है, और चार से कम होते हैं तो ये लोग इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करना चालू कर देते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसको हम लोग मेटल कहते हैं। तो जिंक भी मेटल की कैटेगरी में आ रहा है, और जिंक जो है जेडन वो दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। तो जिंक अगर बात करें तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, ZnO, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है जिंक का, जिंक मेटल का उपयोग, तो आपने देखा होगा जो मलहम होता है घाव वगैरह भर जाता है, घाव वगैरह भरने के लिए क्रीम लगाते हैं हम लोग, इसे मलहम बोलते हैं। उसके बाद चेहरे पे ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए जो क्रीम आता है, तो इन सब में हम लोग जिंक ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तो जिंक ऑक्साइड का उपयोग कहाँ पे करते हैं, मलहम तथा चेहरे पर लगाई जाने वाली क्रीम में किया जाता है। नेक्स्ट फैक्टर आता है जिंक ऑक्साइड का उपयोग सफ़ेद पेंट बनाने में भी किया जाता है, यानी व्हाइट पेंट जो बनाया जाता है उसमें किस मेटल का उपयोग किया जाता है, तो जिंक का ऑक्सीजन के साथ मिला के क्या बन जाता है, जिंक ऑक्साइड। तो सफ़ेद अगर पेंट बन रहा है तो उसमें जिंक ऑक्साइड से बनता है। लोहे की चादरों का जस्तीकरण करने में जस्ते का उपयोग किया जाता है, यानी लोहे का चादर है उसका जस्तीकरण करना है तो उसमें जस्ते का उपयोग किया जाता है, यानी जिंक। नेक्स्ट फैक्ट पर आते हैं गोल्ड। गोल्ड मेटल आपने सबने बहुत सुना होगा, और इसका आभूषण भी बनता है यानी ज्वेलरी वगैरह, और ये काफ़ी डिमांडेबल भी है, ठीक है। गोल्ड एक ऐसा है जिसका, जिसको हम लोग बोलते हैं AU, क्या बोलते हैं, सिंबल उसका AU है, गोल्ड का, सोने का, स्वर्ण जिसे बोलते हैं। तो स्वर्ण यानी कि गोल्ड इतना सॉफ्ट होता है कि वो क्या, अगर उतना सॉफ्ट होता है कि उसकी कोई चीज़ का उपयोग ऐसे नहीं कर सकते, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि उसको मिश्र धातु में कन्वर्ट करना पड़ता है। किस धातु में कन्वर्ट करना पड़ता है, मिश्र, क्योंकि वो इतना सॉफ्ट है कि उसका उपयोग हम मेटल, इसका उपयोग हम ज्वेलरी वगैरह बनाने नहीं कर सकते। तो ऐसी कैटेगरी के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें सबसे पहला पॉइंट ये करना पड़ता है कि हम उसको मिश्र धातु में कन्वर्ट करते हैं। अब मिश्र धातु में कन्वर्ट करने के लिए करना क्या पड़ता है, मिश्र धातु में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहला पॉइंट ये करना पड़ता है कि उसमें कॉपर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, कॉपर यानी कि तांबा। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉपर जो है मिश्र धातु बनाने में काम आता है, तो कॉपर को मिला देने से सोना क्या बन जाता है, मिश्र धातु में कन्वर्ट हो गया, मिक्सचर हो गया। अब वो मिक्सचर अगर हो गया तो टिकाऊ हो गया यानी कि मजबूत हो गया, जो सॉफ्टनेस थी उसकी वो खत्म हो गई, अब वो क्या हो गई, मजबूती में कन्वर्ट हो गई यानी कि वो टिकाऊ हो गई। तो सोना इतना नरम होता है कि उसे टिकाऊ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हम उसमें किसका मिश्रण मिलाते हैं, तांबे का मिक्सचर मिलाते हैं। यानी कल के कोई बोलता है कि मैं एक ज्वेलरी लेके आई या कोई भी है, और वो बहुत ही प्योर है, गोल्ड है, तो आप समझ जाइएगा कि कोई भी गोल्ड प्योर नहीं रहेगा, जो भी ज्वेलरी में कन्वर्ट हुआ है उसमें जरूर मिक्सचर है, किसका, कॉपर का। अब आभूषण बनाने वाले सोने में कॉपर यानी तांबा मिलाया जाता है। आपको पता चल गया कि जो ज्वेलरी हम लोग बनाते हैं सोने की उसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, कॉपर मिलाते हैं। तो सबसे शुद्ध सोना बोला गया 100%
सोना को शुद्ध सोना बोला जाता है। अब ये 100% को मतलब ये हो गया सोना, अगर कल के कोई कहता है मैं 100% प्योर गोल्ड लेके आई हूँ ज्वेलरी, तो इसका मतलब ये हो गया वो बता रहा है कि मैं 24 कैरेट सोने को लेके आया हूँ। कौन सी कैरेट को? 24 कैरेट। तो 24 कैरेट सोने को आप 100% सोने का दर्जा देते हैं, बट क्या वो रियलिटी में 100% सोना है? तो आपको दिखेगा नहीं, 24 कैरेट सोने में 100% सोना नहीं है, क्योंकि सोना इतना सॉफ्ट होता है उसका ज्वेलरी कन्वर्ट ही नहीं हो सकता, उसमें कॉपर मिलाया गया। तो इसको आपको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ये जानना पड़ेगा कि एक कैरेट में कितना परसेंट सोना होता है। तो जो एक कैरेट होता है, एक कैरेट में 4% सोना होता है। कितना परसेंट सोना होता है? 4%। तो कल के आपसे कोई कहता है कि 24 कैरेट का ये सोना है, कैरेट क्या है? सोने को नापने की यूनिट है, जैसे डिस्टेंस दूरी किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, ऐसे हम लोग सोने को कैरेट में नापते हैं। तो 24 कैरेट सोना अगर आपके पास है, इसका मतलब उसमें सोना कितना है, इसको निकालने के लिए पहले आपको ये जानना होगा कि एक कैरेट में कितना सोना होता है। तो एक कैरेट में 4% का सोना पाया जाता है, एक कैरेट में 4%। तो 24 कैरेट का सोना है तो 24 × 4 बराबर कितना हो गया? 96, यानी 24 × 4 बराबर कितना आ गया? 96%। तो यानी कि आपने देखा कि 24 कैरेट सोने में 96% क्या है? सोना है। तो बाकी 4% क्या है? तांबा है। तो आपसे अगर कोई कहता है कि भाई मेरा 24 कैरेट का सोना है, इसमें बताइए कितना स्वर्ण है और कितना तांबा है, तो एक कैरेट में 4% स्वर्ण होता है गोल्ड, तो 24 कैरेट में 24 × 4 = 96, तो 96% क्या हो गया? स्वर्ण हो गया गोल्ड, और बचा 4% वो कॉपर हो गया। ठीक है, तो अगर कल के कोई बोलता मेरा सोना 50% है, तो 100% सोने में 24 कैरेट होता है, तो 50% सोने में क्या कैरेट आएगा? 12 कैरेट आ जाएगा। तो 12 कैरेट का मतलब हो गया एक कैरेट में 4% सोना, तो 12 कैरेट में 12 × 4 = 48, यानी 48% सोना है, तो बाकी 52% क्या हो गया? तांबा हो गया। तो जैसे जैसे हम परसेंटेज डाउन करते जाएंगे, वैसे वैसे कैरेट भी क्या हो जाएगा? गिरता जाएगा, और आपका जो सोना होगा उसमें कॉपर की क्वालिटी बढ़ती जाएगी, सोने की क्वालिटी घटती जाएगी। तो आपने देख लिया कि अगर सोने को मापने की इकाई क्या है? कैरेट है, और एक कैरेट में कितना परसेंट सोना होता है? 4% होता है, और 24 कैरेट में 96% सोना है, क्योंकि एक कैरेट में 4%, तो 24 कैरेट में 24 × 4 यानी कि 96%। तो आपने देखा सोना के बारे में। नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं, चांदी। चांदी भी बात करें, सिल्वर होता है, एजी सिंबल होता है। चांदी धातुओं में सर्वाधिक विद्युत तथा उष्मा का सुचालक है, यानी कि वो चालक है। तो यानी कि सर्वाधिक का मतलब हो गया सबसे अधिक मात्रा में, बात करें अच्छी मात्रा में उसमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट का प्रोवाइड होता है। ठीक है, चांदी सर्वाधिक संक्षारक रोधी होती है। अब संक्षारक रोधी मतलब कोरोजन लेस, यानी इसमें जंग वगैरह नहीं लगता, कोरोजन लेस होती है धातु में से, तो ये कोरोजन लेस है यानी कि संक्षारक रोधी है, यानी जंग वगैरह नहीं लगता है। दंत गुहिकाओं में सिल्वर अमलगम। अब दंत गुहिकाएं मतलब क्या हो गया? आपने देखा किसी किसी का दांत खोड़ी हो जाता है, दांत छेद हो जाता है, तो कहते हैं मसाला भरा है। तो दंत गुहिकाएं यानी जो दंत है, जो हमारा खोड़ी दांत है उसमें जो छेद हो गया है, उसमें जो भराया जाता है उसे सिल्वर अमलगम कहते हैं। जो चांदी और पारे का मिश्र धातु होता है, यानी कि चांदी खाली खाली नहीं उसमें रखा जाता है, उसमें भी मिक्सर होता है, उसमें सिल्वर और पारा यानी मरकरी, चांदी और पारा का मिश्र धातु मिलाकर उसमें भर दिया जाता है, यानी सिल्वर और मरकरी। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग दर्पण बनाने के लिए भी किया जाता है, यानी मिरर वगैरह देखिए तरफ पॉलिश कर दिया जाता है, तो पॉलिश होता तो मिरर बन गया, अगर ग्लास है दोनों तरफ ट्रांसपेरेंट है तो ग्लास, ठीक शीशा, लेकिन अगर एक तरफ पॉलिश कर दिया तो वो बन गया मिरर, यानी AgNO3। तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग दर्पण बनाने के लिए किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड यानी AgBr, AgCl, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड AgI, ये प्रकाश संवेदी होने के कारण फोटोग्राफिक प्लेट बनाने में क्या आता है? तो फोटोग्राफिक प्लेट बनाने में किसका किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, AgCl, सिल्वर आयोडाइड AgI, इन सब का उपयोग प्रकाश संवेदी होने के कारण, सेंसिटिव टू करस्पॉन्डिंग लाइट, जिसकी वजह से इनका उपयोग फोटोग्राफिक प्लेट बनाने में किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग AgI का आर्टिफिशियल रेन में भी किया जाता है, कृत्रिम वर्षा का आर्टिफिशियल रेन का एक अलग से वीडियो होगा, आपको उसमें बताएंगे कैसे कैसे आर्टिफिशियल रेन कराया जाता है।
सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट आते हैं, अगला कंपाउंड है, लास्ट है, जिसको हम मेटल के फॉर्म में देखेंगे, मरकरी यानी HG। तो मरकरी भी बात करें तो ट्यूबलाइट में पारा या मरकरी वाष्प भरी होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए ट्यूबलाइट में किसकी स्टीम भरी होती है, तो पारा या मरकरी, यानी कि आपको पता है पारा है तो उसको हिंदी में बोलते हैं, मरकरी मतलब HG, तो इसी की स्टीम भरी होती है, ठीक है। उसके बाद पारा के धातुओं के साथ बने मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है। यानी अमलगम क्या होता है, अगर किसी भी मेटल में पारा मिला देते हो तो उसे अमलगम कहते हैं। जैसे कि आपको चांदी का अमलगम दिखा, तो चांदी में क्या मिलाया गया, पारा। तो पारा यानी मरकरी अगर किसी में मिला रहे मरकरी को यानी कि पारे को, तो वो कहलाएगा अमलगम। तो आपने ये देखा इस प्रकार से कि जो भी मेटल थे, प्रमुख प्रमुख मेटल थे, उसके बारे में हम लोगों ने जिक्र किया, जिसमें से आपको पता है सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, तांबा है, मैग्नीशियम है, जिंक है, सोना है, चांदी है, पारा है। अगर आपसे धातु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था तो इसी में से एक हो सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।